सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाएं होती हैं और अभी हाल फिलहाल जो है तो हड़ताल को लेकर के हमारी कुछ खास चर्चाएं जो है तो कामरेड जुगल राठौर जी से होने वाली है। जुगल राठौर जी के बारे में अगर ये कहूँ कि ये नाम के मोहताज हैं तो ऐसा कहना मेरा गलत होगा, क्योंकि जुगल राठौर जी कहीं ना कहीं पर शुरुआती तौर से किसानों और मज़दूरों के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं। जुगल जी, आज की ये जो हड़ताल शुरू है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस हड़ताल का बेस क्या है। देखिए, इसमें विश्वकर्मा जी, ये हड़ताल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सीटू के द्वारा चलाया जा रहा है। इनकी मांग ये है कि आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को कम से कम 26,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाए। रिटायर होने पर इनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, तो मुआवजा के बतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कम से कम 5 लाख रुपए और सहायिका को कम से कम 3 लाख रुपए। इनको पेंशन भी नहीं मिलती रिटायर होने के बाद में, तो कम से कम कार्यकर्ता को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाए और सहायिका को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाए, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सीटू जिला अनूपपुर के द्वारा ये 2 दिवसीय सामूहिक उपवास किए जाने का आंदोलन चलाए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए। और क्या क्या है जिसमें आपको लग रहा है कि और भी कई सारे ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को? अच्छा, एक सवाल और भी है, जहाँ विकास यात्रा है, कांग्रेस भाजपा ने विकास यात्रा शुरू की, कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा है, तो आप लोग भी कोई यात्रा निकाल रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, पदयात्रा भी चलाएंगे, जन 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 को हम लोग जागरूक करेंगे। इनकी ये विकास यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा, दरअसल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियाँ हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। पूंजीवाद के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी भी आगे चली है, भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ रही है। इनके द्वारा कर्ज ले करके और झूठी विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अभी तो मैं कई जगह जो देखा हूँ, इनका जो रोड अभी हमारे उमरिया गुरसी सेमरवार में जो रोड बनी है, वो जय दिन वाला रोड बनी है। पहले 10-20 साल सर्विस हुआ करता था रोडों का, लेकिन वो पिछले जुलाई महीने में रोड बनी है और 8-10 दिन के बाद जो है पूरी रोड उखड़ करके नष्ट हो गई। तो ये सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं और अपने पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में इनको पुनः जनता सरकार में बनाए जाने के लिए जनादेश दे, लेकिन ये संभव नहीं है। जनता इनसे रूठ चुकी है। आने वाले दिनों में सत्ता से इनको बाहर की रास्ता दिखाने के लिए जनता कमर कस के तैयार है। तो इसी के साथ अभी जैसे जो ये यात्राएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर अस्पतालों के भी हालत आप देख रहे हैं, स्कूलों की हालत देख रहे हैं, खासतौर पर जिन्हें सरकार ने जनता की सुविधा के लिए बना रखा है। देखिए, पूरी सिस्टम इनका ठीक नहीं है, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अभी ये लोग विकास यात्रा चला रहे हैं, किसी भी विभाग के अधिकारी जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि पीछे पीछे इनकी खातिरदारी करने के लिए दौड़ रही है, जिससे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। स्वास्थ्य सुविधाएं लचर है, स्कूल की व्यवस्थाएं लचर है, मतलब जितने भी सरकार के जो सिस्टम है वो पूर्णतः अस्त व्यस्त हैं। और ये इनकी जो है झूठी विकास की यात्रा बहुत ज़्यादा दिन तक ये टिकाऊ नहीं होगी। आने वाले दिनों में इनको जनता निश्चित तौर पर बाहर के रास्ता दिखाएगी ही। और कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमारे ये 2 दिवसीय सामूहिक उपवास के बाद कल हम लोग 26 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम से संबोधित 26 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे, और यदि सरकार समय रहते हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों की जायज मांगों को अगर अनसुनी करती है, तो इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के लिए हम लोग पूरी एकदम तैयारी करेंगे। और अब की बार नेता हम लोग नहीं बदलेंगे, बल्कि नीतियों में बदलाव होगी। ये पूंजीवादी रास्ते पर चल करके अपने कारपोरेट मित्रों को जो माला माल कर रहे हैं ऋण ले करके और इनकी जो है तिजोरी को भर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जनता
इनको बाहर के रास्ता दिखाएगी, जिसमें जो है हमारी बहनें पूरी योगदान देंगी इनको सत्ता से बाहर हटाने के लिए। तो ये थी जुगल राठौर जी की बातें। और यहाँ पर जो कि आज का जो सिस्टम लगातार चला आ रहा है, कहीं ना कहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ता जिन्हें भी आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जिन कर्मचारियों की बात सरकार कर लगातार खुद करती है, लेकिन नीतियां बनाने के बाद उन नीतियों का कितना पालन होता है, इतने सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उन कायदे कानून का कितना अनुशासन से पालन होता है, या तो आप सभी देख ही रहे हैं आज वर्तमान की स्थिति में, क्योंकि आज यहाँ प्रचार प्रसार की स्थितियाँ तो बनी हुई हैं, क्योंकि सरकार के काम वो भी आपके सामने हैं और प्रचार प्रसार की जो आज स्थितियाँ बनी हैं वो भी आप सभी के सामने हैं। तो चलिए, ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।